अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सहरी की तैयारी हो चुकी है, रोटी भी डाल दी हूँ। अभी अली को उठाती हूँ, अली भी रोज़ा रखेगा। चलिए अभी अली को उठाते हैं। अली हमारा उठ गया है। चलो अली फटाफट फ्रेश हो जाओ, सहरी का वक्त हो रहा है। ब्रश उठा ली नींद में, जाओ आपका ब्रश ले लो। फुल नींद में अली, रात में जल्दी सोते नहीं हैं और सुबह में सहरी में उठने को परेशान करते हैं। परेशान तो नहीं करता है, लेकिन पूरे नींद में रहता है वो। चलिए अभी हम सहरी करते हैं, सहरी का वक्त हो रहा है। अली का ब्रश भी हो चुका है, अभी सहरी करके आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारी सहरी हो चुकी है अभी अभी अप्पी को फोन करते हैं। क्या कर रही है? नहीं तो फोन खुद ही कट हुआ। हम लोग अली मिड पैड देखते बैठा था, वो बहुत नींद में था तो उसको मैंने चालू करके दी। बहुत नींद में था वो, तो मैं बोली कि अभी अगर ऐसे ही कराऊंगी तो खाएगा नहीं, बहुत नींद में था वो। अच्छा, तो वो देखते बैठा था। नहीं, वो कट नहीं करी मेरा फोन। नहीं नहीं, वो कट ही नहीं किया। मैं उसको देखते बैठा था वो, मैं उसको नाश्ता करा रही थी। हाँ सहरी हो गई हम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ, क्या खाया? क्या खाए थे? रोटी और अच्छा ग्रेवी रोटी। क्या ग्रेवी रोटी? ग्रेवी रोटी पराठा बनाई थी आज उसके लिए। हमने भी पराठा खाई। हमारी सहरी हो गई है, अभी फजर की नमाज का वक्त हो गया है। हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सो जाएंगे। आज संडे भी है तो फिर उठने के बाद में इफ्तारी की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं इफ्तारी में क्या बनाना है। चलिए अल्लाह हाफिज़। पानी दो ना पिंक टब में, बाजार क्लीन करें। हाँ पानी भर दो। चिकन कटलेट बनाने के लिए हम चिकन को बॉईल करेंगे। उसके लिए चिकन में हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 चिकन स्टॉक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आज हम सहरी करने के बाद में सो गए थे, उठने के बाद अब फ्रेश हो गए हैं। अब हम किचन में चलते हैं। किचन आज इफ्तारी में हम बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक, चिकन और आलू के पेटिस, और शरबत में बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, दूध में मिक्स करके रूह अफ़ज़ा, और उसमें हम वाटरमेलन कट करके डालेंगे। बहुत से लोगों से हम क्या मोहब्बत का शरबत भी बोलते हैं, अभी हम वो ही बनाते हैं। चलिए चिकन फ्रेड करने का इजी वे, अच्छे से कुक कर दिए, चिकन नरम हो गई तो वो ऑलमोस्ट इसमें ही बर्तन में ही चिकन नरम हो जाती है, श्रेड हो जाती है। इसे अभी हाथ से थोड़ा सा मैश कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी। चिकन और आलू के पेटीज के लिए हम
एक बर्तन में 3 टेबल स्पून तेल लेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, उसे थोड़ा सा अच्छे पकने देंगे, तो उसमें अच्छा से बॉईल आ जाएगा ऑयल में, तो फिर उसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से भुनेंगे ताकि उसकी कच्ची महक निकल जाए। इसकी महक निकलने के बाद में इसमें कटी हुई प्याज भी डालेंगे, हमने इसे चॉप करके रखा था, तो हमें पकाना नहीं है, सिर्फ भाप देना है। देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए प्याज। एक टेबल चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, ट्रांसपेरेंट तो हो गई है लेकिन इसका पानी है जो पूरी तरीके से सुखा लेंगे और उसके बाद में इसमें मैश पोटैटो मिक्स करेंगे। चिकन ड्रम स्टिक में डालने के लिए 400 ग्राम दही लेंगे, हंग कर रहेगा तो बहुत अच्छा है, ये हमारे पास था नहीं तो इसीलिए हमने डब्बे का दही लिया। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे, हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, थोड़ा सा कोथमीर कट करेंगे, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 होल लेमन जूस डालेंगे। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन ड्रम स्टिक पर हमने क्रॉस ऐसे कट लगाए हुए हैं, उसमें हम अच्छे से मसाला फिल करेंगे और उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने फ्रिज में रख देंगे। आलू में हम पहले नमक डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब डालेंगे, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, इस पर भी हम हमारी वो सौते की हुई अनियन मिक्स कर देंगे।
इसमें हम चीज़ क्यूब डालेंगे, हमने 6 क्यूब्स लिए हैं। ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे, उसके बाद में हम चाट मसाला डालेंगे, वो भी हाफ टी स्पून ही डालेंगे। अब इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसमें कोथमीर कट करी हुई वो भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम वाटरमेलन का जूस बनाएंगे, उसके लिए पहले दूध छान के लेते हैं हमारे जूसर में। हम इसमें आधा ही डालेंगे, बाकी का दूध हम बर्तन में जब निकालेंगे ना तो फिर उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अब इसमें हम आइस और वाटरमेलन डालेंगे तो बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा। अफ्तार के पहले का एक घंटा बहुत फास्ट निकलता है। यहाँ पे हम हमारे कटलेट भी फ्राई कर रहे थे और इफ्तार के बाद की चाय भी बन रही थी और चिकन ड्रम स्टिक भी फ्राई भी हो रहे थे, रोस्ट भी हो रहे थे, सब एक साथ में काम चल रहा था।
नहीं बेटा लेट हो रहा, लिपो अली उधर है घर पे। चल बाय लाफिस, बाय लाफिस, बाय लाफिस। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।